इस सिलसिले में ही इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश लेवल पे भी और जिला लेवल पे भी अलग अलग इस टाइप से कार्यक्रम रखे हैं बुद्धिजीवी लोगों के साथ में मिलकर, ताकि सभी को ये पता चले, सभी की अपनी राय एकमत हो कि भाई इस बार के बजट में विशेष क्या है। जब काफी लोगों के हम लोगों ने विचार लिए और हमने पूरे जिले में, अपने दिल्ली प्रदेश में जितने भी 14 जिले हैं, हर जिलों में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई बजट के अंदर इस बार का कैसी सुविधाएं हैं। जो भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, इनको भी काफी निराश मिली है। तो इस बजट को लेके आज भी यहाँ पे जिला शाहदरा ने हमारे आदेश गुप्ता जी, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और हमारे सांसद जी श्री गौतम गंभीर जी आज यहाँ पर आकर सभी बुद्धिजीवी लोगों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि इस बार के बजट में हमारे को कैसे कैसे रियायतें मिली है और इससे क्या लाभ हुआ है। अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चंस और कुछ होंगे तो आप भी जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो आप हमारे को बता सकते हो, तो हम भी आपकी जो भी समस्याएं हैं और जो भी कोई चीज आपकी जानकारी है उसको भी हम फुलफिल करेंगे। अभी हमारे मध्य डॉक्टर अनिल गोयल जी भी हैं और काफी लोग हैं यहाँ पे, तो आप अपना जो भी चीजें कुछ क्वारीज होगी तो आप रखिए, उसको भी हम क्लियर करें। कोई संवैधानिक व्यवस्था में चलती है, वो घर की दुकान नहीं है, उसको एक पूरे सिस्टम में बांधना पड़ता है, उस सिस्टम का नाम है बजट। उससे पहले मैं आपको बजट पे चर्चा करूं, क्योंकि मैं तो एमसीडी का आदमी हूं। अभी मेयर संदीप जी बैठे थे बराबर में, एमसीडी की ही बात कर रहे थे, भाई साहब तनख्वाह नीली नहीं मिली। मैंने कहा अभी कल तनख्वाह मिल गई, कह लगे भाई साहब ये तो काम बहुत बढ़िया हो गया। हमने एमसीडी की तनख्वाह अध्यक्ष जी जनवरी तक की हमने सारी रिलीज कर दी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। भाई और बहनों, जब समुद्र में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो जहाज भी ठीक चल रहा होता है, लेकिन जब समुद्र में तूफान आता है, जब विपरीत परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों में जो जहाज को चलाना होता है, ये जहाज का कप्तान था, और जहाज का कप्तान जितना कुशल होता है उतना ही उसके नेतृत्व से पूरा जहाज वो खुद भी बचता है, सारे अपने मुसाफिरों को। हम सबको अत्यंत गौरव है इस समय हमारे जो कप्तान हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी ऐसे कुशल कप्तान हैं, उन्होंने इस कोविड महामारी के अंतर्गत भी किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में पूरे विश्व के अंदर महामारी से ग्रस्त लोग सब पूरी तरीके से त्राही मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने सबको साथ लेकर के, सारे देश को साथ लेकर के इस प्रकार के कार्यक्रम किए कि प्रत्येक जन जन को साथ लिया। इतने सुंदर बजट की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कई बार लगता है किस तरीके की उन्होंने इस देश के पूरे प्रत्येक नागरिक का कोई उन्होंने छोड़ा नहीं। क्या देश की 240 लाख कोई सोच भी नहीं सकता। शिक्षा का क्षेत्र हो, हर एक को पढ़ाई का मौका मिले, अब इस सब के लिए इन्होंने कहा पैसा आएगा कहां से। जैसा निर्मल जी ने बताया, यह बजट साधारण परिस्थितियों का बजट नहीं था। 22 मार्च को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसकी घोषणा करी थी, किसकी करी थी, जनता कर्फ्यू, पहले किसकी करी थी, जनता कर्फ्यू, राणा जी जनता कर्फ्यू करी थी ना, रामत राणा जी जनता कर्फ्यू भी करी थी। साथियों, जनता कर्फ्यू की जब घोषणा करी थी, जब से लेके इन बीच का साधारण परिस्थितियों का बजट था। कोविड काल में जब विश्व की जितनी भी इकोनॉमिक्स थी, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वो इटली की हो, चाहे जापान की और बाकी जितनी भी, जब धराशायी हो रही थी, जब देश के ऊपर भी प्रेशर था,
और जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया तो विपक्ष शोर मचा रहा था, तो मोदी जी ने एक बात कही जो मेरे पीछे दोहराएंगे, जान है तो जान है तो ओम प्रकाश जी जब ये कहा जान है तो जहान है, तब बहुत आलोचना हुई और आलोचना करते हुए लोग खड़े हो गए। पर मोदी जी ने कहा कि पहले देश के 130 करोड़ भारतीयों की मुझे जान की चिंता है, मैं इकोनॉमिक्स को देख लूंगा। साथियों, हम सब लोगों ने दिए जलाकर थाली बजाकर भारत की 130 करोड़ जनता ने परिचय दिया कि देश मोदी जी के साथ है, इस कोरोना जैसी महामारी को लड़ने के लिए आज तैयार खड़ा है। और उस जनधन खातों के माध्यम से जब लॉकडाउन लगा तो उस लॉकडाउन में प्रत्येक घर में प्रत्येक बहन के अकाउंट में 500 रुपए, तो उसको हंस के टाल ना दे। अब हंस के टालने का समय नहीं है, अब समय है अपने देश के नव निर्माण में पूरी तरह से एक एक कीट जो व्यक्ति लगा रहा है उसके साथ खड़े रहने का। जो पीछे खड़े रहते हैं ना वो भाग जाते हैं, हम साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। हमने वो करके दिखाया है, जो लोग हम सोचते थे कि हमारे वोट की अहमियत नहीं है, आज हमारे वोट की अहमियत बन गई है। जो इस देश में मेजोरिटी में है उन्होंने वो करके दिखा दिया है, और आगे यदि हम निर्माण चाहते हैं तो आवश्यकता है कि हम सजग रहें, जागे रहें। हम सो जाते हैं बहुत जल्दी, अभी लगाया है ना, अभी भाई साहब ने नाथ मग्गू जी ने कि काशी मथुरा बाकी है, काशी मथुरा ही नहीं 13,000 से ऊपर जगह बाकी है, उन सबका नव निर्माण करके भारत के स्वाभिमान को पुनः जागृत करने की वेला है। इसलिए केवल एक दो बलिदान नहीं, अनेक बलिदान के समय आएगा, वो सब हम सब लोग देने को मुझे लगता है पूर्ण उम्मीद है, तैयार है। और हमारे साथ में इतने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया योद्धा हमारे साथ बैठे हैं, चहल जी हैं और तमाम जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। और सब लोग आज औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, बहुत बढ़िया जिस प्रकार से काम हो रहा है, भारत को पुनः भारत बनाया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से कार्य आगे चलता रहेगा। हमारे बीच में है डेप्टी चेयरमैन है कृष्णा नगर व्यापार सेवा संघ। नमस्कार, सम्मानित मंच और सभी यहाँ आए हैं, उन सबको मिला। जहाँ तक ज्वेलरी की बात, प्रावधान आ रहे हैं सुबह ज्वेलरी में आए, वो सारे ठीक है। वीडियो इत्यादि वगैरह क्या था, और आप लगभग 5:30 बजे से प्रतीक्षा में हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे आज बजट पर कुछ बारीकियां रखेंगे, कुछ बातें रखेंगे, और हम क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी समाज के वो वर्ग के बंधुवार भगिनी बैठी हैं कि जो इस समाज में चाहे वो वकील हों, प्रोफेसर हों, और आपने भी बजट जिस समय अनाउंस हुआ था वो सुना भी होगा। पहली बार एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें ये कोरोना संकट के बाद देश और दुनिया पूरी संकट में थी, बावजूद उसके पहली बार कोई भी टैक्सेस, नए टैक्सेस इम्पोज नहीं किए गए, ये बहुत अच्छी बात है। इस बजट की जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ाया गया 35% के आसपास, और इसके साथ ही साथ पहला डिजिटल बजट पेश किया गया। ये भी एक भारत के विकास का पैमाना होता है, डिजिटल बजट हमारी वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया। और अक्सर पहले बजट में जब पुरानी सरकारें हुआ करती थी, पहले कांग्रेस के थे उसको पढ़ते थे, फिर एक टीवी वाले इंटरव्यू लेने के लिए किसी गृहिणी के किचन में घुस जाते थे और वहां इंटरव्यू लेते थे, आप ये बताइए कि आपका ये बजट है इसमें कौन सी चीज सस्ती हुई, कौन सी महंगी हुई, वो एक दो कहां वो बजट चला गया उस हुआ, या गांव देश की अर्थव्यवस्था पर उस बजट का क्या असर पड़ा, इस बात की कोई भी कहीं कोई असर नहीं दिखता था। माथा टेक कर ये कहा था कि हमारी सरकार देश के 125 करोड़ देशवासी हैं, उनकी आशा आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी, इसलिए हम देश में गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, और साथ ही साथ जो आजादी के 74 साल के बाद भी देश की मुख्य धारा में
जिनको आने का मौका नहीं मिला उनको हम मौका देंगे और उनको सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। एक सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत हुआ है जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है और इसके इस बजट से के माध्यम से भारत के युवा जॉब देने वाले बनेंगे, जॉब लेने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले। और चाहे वो महिलाओं के विकास की बात हो, उनके उत्थान की बात हो, किसानों के उत्थान की बात हो, समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान की बात भी इस बजट में है। और इसके साथ ही साथ हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा पैसा इस बजट में रखा गया, जिसके माध्यम से देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी और जो एक बड़ी आबादी का देश है, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको पूर्ति होगी। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जिसका पहले अभी तक 1.5 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हो चुके हैं, 30,000 करोड़ रुपए उसमें लोगों को पैसा दिया जा चुका है, इसी तरह जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ सर्वसमावेशी बजट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया हो, चाहे वो व्यापार। संसाधनों की बिक्री है, ये बजट नहीं है बल्कि सेल है। देखिए, विपक्ष के पास कहने के लिए जब कुछ नहीं तो कोई ठोस उनका कोई आरोप और आधार नहीं है, क्योंकि इस बजट में भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, या फिर रोड ट्रांसपोर्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, वो सभी जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो रोजगार तो उसमें जनरेट होगा, रोजगार जनरेट होगा तो भारत विकास की ओर, संपन्नता की ओर बढ़ेगा। देखिए, आज जनता तक बजट की बातें पहुंचाने के बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल मीट जिसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग आते हैं और वो एक एक व्यक्ति के पीछे हजारों लोग होते हैं और वो जब बजट की प्रमुख बातें हैं कि बजट जिन 6 विशेषताओं पर टिका हुआ है, उनमें ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इनोवेशन रिसर्च हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, इन सब बातों को लेकर भारत में इस बजट में बहुत ध्यान रखा गया है, जिसका आज हर नागरिक स्वागत कर रहा है। बात करें तो आत्मनिर्भर बजट ये वाला कहा जा रहा है और यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी महिलाएं भी हमारे साथ में। मैडम, कैसा है ये बजट? बहुत ही अच्छा है। आई वॉज वेरी इम्प्रेस बिकॉज जो रिसर्च, और मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मुझे अच्छा लगा वॉज जो उन्होंने जो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो साइंटिफिकली इन करा है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम, आप क्या कहेंगी? मैं एडवोकेट इंदुगर फ्रॉम द्वारका। और जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट आम पब्लिक के लिए, हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए अच्छा है। जी मैम, आपका क्या कहना है? मैं इंदु राजपूत फ्रॉम द्वारका, एंड हम एक संस्था चलाते हैं महिलाओं के लिए। तो जो ये बजट है, बहुत सारी बारीकियों पर आज बात हुई, चर्चा हुई, और महिलाओं के लिए बहुत बेहतरीन बजट है। और अभी तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने महिलाओं के लिए काम किया है वो तो सराहनीय है ही है, लेकिन इस बजट को सुनकर आज जितनी बारीकियाँ हमें पता लगी, हमें बहुत, हम दिल से उनसे धन्यवाद करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये महिलाएं हैं जिन्होंने कहा कि बजट बहुत अच्छा है।